हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए बताएंगे किसी फोटो का बैकग्राउंड किस तरह रिमूव करते हैं, फोटो का PNG कैसे बनाते हैं, ट्रांसपेरेंट कैसे बनाते हैं दोस्तों, वो भी पिक्सल लैब की सहायता से। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। सबसे पहले पिक्सल लैब को ओपन किया हमने, ये पिक्सल लैब ओपन हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर जो ये न्यू टेस्ट लिखा हुआ है दोस्तों, इसे हम डिलीट करते हैं, ये डिलीट हो जाता है। और यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं जिसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है दोस्तों। प्लस के आइकन पर जाते हैं और फ्रॉम गैलरी इसमें जाते हैं और ये फ़ोटो हमने सेलेक्ट किया दोस्तों। और इसकी साइज़ कम ज़्यादा यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे कई सारे हमारे सामने फंक्शन है, इसमें जो बीच वाला फंक्शन है इसमें जाते हैं। इस पे जाने के बाद दोस्तों हमारे सामने इरेज कलर ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाते हैं और इसे इनेबल करते हैं। और यहाँ पेंसिल का आइटम का निशान है, इस पे जाते हैं और यहाँ इसको हम जिस कलर को रिमूव करना है उस पे ले जाते हैं दोस्तों। ये साइड में ले रही है, हमें ये कलर हटाना है दोस्तों और इसको सेलेक्ट किया यहाँ से हमने। और उसके बाद जो टॉलरेंस है नीचे, इसे हम कम ज़्यादा करते हैं। देखो ये ज़्यादा हो रहा है, हम इसे अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हट चुका है दोस्तों और नीचे स्मूथ है, इससे हमें इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर लेना है। उसके बाद इसे हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक कर देते हैं इस पर और दोस्तों हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है दोस्तों। अब इसके पीछे हम कोई सी कलर चेंज कर सकते हैं खुद भी, यहाँ से कलर पर जाते हैं और बैकग्राउंड में कोई भी कलर लगा सकते हैं इस तरह कोई भी कलर सेट कर सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट तरीका तो यह है, यह उसके लिए है जिसका बैकग्राउंड सिर्फ एक कलर हो दोस्तों। अब ऐसा कोई फोटो है जिसके बैकग्राउंड में कई सारे कलर हैं दोस्तों, उसे किस तरह रिमूव करना है उसके भी हम बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हम दूसरा फोटो लेते हैं और प्लस के आइकन पर जाते हैं और फोटो सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। दोबारा हमने फ़ोटो लिया है और इसके बैकग्राउंड इस टाइप का दोस्तों। अब हमें इस पर बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो किस तरह करेंगे दोस्तों, वही बीच वाले फंक्शन पे जाते हैं नीचे और साइड में जाते हैं तो दोस्तों इरेजर लिखा हुआ है, इस पर जाते हैं। इरेजर पे जाने के बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। हमें यहाँ पर इरेज करने का जो ब्रश होता है उसे ऊपर जो लेफ्ट साइड में है इससे कम या ज़्यादा कर लेना है दोस्तों। ये रहा, पहले इसको ज़्यादा कर लेते हैं, इससे इसकी क्वालिटी देख लेते हैं, कम ज़्यादा इस तरह हो जाती है। और नीचे ये इसको पकड़ने का ब्रश है दोस्तों। अब इसे यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से इस तरह रिमूव करना है आसानी से, आपके सामने इसको फिर के बताता हूँ मैं। यहाँ से इसको हम अपनी सहूलत के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, पहले साइड से कर लेते हैं। इस तरह आसानी से रिमूव हो रहा है ये। इतने एरिया में हमने ये अब थोड़ा सा रहा है, इसको किस तरह रिमूव करना है दोस्तों, तो ऊपर से ब्रश की क्वालिटी को हमें छोटा करना है इस तरह। अब आसानी से हमें ब्रश को चलाना है, जहाँ जहाँ से हमें हटाना है वहाँ वहाँ इसे आसानी से चलाते हैं। ये धीरे धीरे चलाना है इसको हमें, इतना हो गया। उसके बाद साइज छोटी कर लेते हैं और हम अब बड़ी कर लेते हैं, जैसा एरिया आता है वैसे उसके अनुसार सेट कर लेते हैं इसको हम इस तरह। इधर हो जाता है, अब हमने लेफ्ट साइड करना है। इस तरह हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, थोड़ा सा रहा है ये भी कर लेते हैं हम आसानी से भी। इस तरह उसके बाद सेलेक्ट करते हैं इसे, दे सकते हैं दोस्तों
हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया बहुत ही शानदार। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। हमारे चैनल पर बहुत सारी आपके काम की वीडियो मिलती है दोस्तों।